स्टेट सेक्रेटरी प्रदेश यूथ कांग्रेस जी। आज हम बात करेंगे कालाकोट के जो कोल माइन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी और जो थर्मल पावर प्लांट है इनकी। 1970s और 80s में ये बहुत ही एक रोज़गार का बहुत बड़ा जरिया था कालाकोट के लिए और वहाँ के एडजॉइनिंग जितने भी गांव हैं रजौरी ज़िले में उन सब के लिए। पर हाल ही में 1987 में इसको फारूक साहब की गवर्नमेंट ने बंद किया था, जिसके पीछे कुछ खास रीज़न नहीं था, और धीरे धीरे ही इस तरह से दौर चला कि उसका जो सामान है वो धीरे धीरे बेचा गया। तो आज के समय में भी वापस ये हो रहा है कि जो थर्मल पावर प्लांट कालाकोट में है जिसमें करीबन 10,000 लोगों को रोज़गार मिलता था उस समय में, और आज के तरीके में अगर उसमें रोज़गार देखें तो कम से कम भी 15 से 20,000 लोग और युवा वहाँ पे रोज़गार ले सकते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी। तो उनको जो है उसकी इलीगल ऑक्शन करके इलीगली तरह से वहाँ से जो मशीनरी है और जो वहाँ लोहा है थर्मल पावर प्लांट में उसको वहाँ से ले जाया जा रहा है। तो उसके खिलाफ आज हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें हमने ये कहा है, और हम ये अपील करते हैं एलजी साहब से कि आप जहाँ हमारे मुख्यमंत्री 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं बट दे नहीं पाते, बट ऐसे काफ़ी जम्मू कश्मीर में और कालाकोट में ही ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप चलाएं तो युवाओं को नौकरी मिल सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप युवाओं को नौकरी देने के लिए झूठे वादे ना करें, बल्कि जो असल प्रोजेक्ट्स हैं या असल पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से युवा नौकरी ले सकें, जहाँ पे पोटेंशियल है नौकरी देने का, उनको यूटिलाइज करें। तो आपके माध्यम से मेरी गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपील है कि आप इन प्रोजेक्ट्स को देखें और कालाकोट जो कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल एरिया है जहाँ से बहुत ही ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिल सकती है, उस जगह को थोड़ा आप ध्यान दें और वहाँ के जो पोटेंशियल एरिया जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कालाकोट की कोल माइंस हो गई, पावर प्लांट हो गया, वहाँ पे पांडवों का रहने का एक फोर्ट है वो हो गया, तत्ता पानी टूरिस्ट स्पॉट हो गया, इन सबको आप डेवलप करें ताकि कालाकोट जो एक सोने की चिड़िया कहा जाती थी उसको वापस एक सोने की चिड़िया वो बने और लोगों में रोज़गार बढ़े और कालाकोट डेवलप हो।